मिक्स हो चुका है सोया में. इफ़ यू प्रेस इट यू सी कि ये अच्छे से कट रहा है और इट्स जूसी एंड मसाले भी अच्छे से मिल चुके हैं. कलर वाइज भी इफ यू सी इट्स लुकिंग परफेक्ट. और टेस्ट में तो मैंने आपको बताया ये कि बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है. Today we are making soya chunks in restaurant style and thanks to Kapita's Kitchen for it. If you are in Singapore and you want to purchase this soya chunk, you know where to go, Kartika. तो हमने इतने soya chunks लिए और हम लोगों ने लिए हैं एक टमाटर, एक प्याज, एक हरी मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन और अदरक. इनको बड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि हमें इनको एट लास्ट ग्राइंड करना है. सब पानी गर्म हो गया हमारा केटली में और हम लोगों ने डुबो दिया है. ज़्यादा ध्यान जो रखना है इसमें पूरी डिश में वो है टाइम का. टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. इनको ठंडा करना पड़ेगा, फिर वो जो सोया बीन्स हैं वो डूबे हुए हैं सोया चंक्स, उन सोया चंक्स का पानी निकालना है, फिर उनको फ्राई करना है. एक तरह से पनीर की जैसे सब्ज़ी बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, वैसा ही टाइप है. बस पनीर की जगह हम सोया चंक से रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट. और सोया चंक्स में पानी उसको एब्जॉर्ब करना, वो सारी एडिशनल चीज़ आ जाएगी थोड़ी सी. वैसे सिंगापुर में मेड कितने पैसे लेती है? कुक वाली 700-800 डॉलर ना. 700-800 महीना. 500-800 डॉलर महीना तो उतना पैसे हैं तो वो भी ले सकते हो. पर बैचलर्स के लिए तो खुद से कुक करना ही हो. हमारे पास है लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची बिना मिर्ची वाली और कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, वो भी बिना मिर्ची वाली. तो बिना मिर्ची वाली सब्ज़ी बनेगी. हम लोग काउंट कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर पे, सारा मिर्च वाला फ्लेवर एडजस्ट करने के लिए. सो अब हमें करना है मसाला फ्लाई. मैं पर्सनली यूज करता हूँ मस्टर्ड ऑयल बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बट अब अपने अकॉर्डिंग तेल यूज करता हूँ. अगर आपको कड़ी पत्ता खाना है क्योंकि खाना चाहिए, बट निकालना नहीं है और खाना चाहिए आपको, पता है अच्छी बात है क्योंकि बाल काले होते हैं. बाल भी काले होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होता है? खून पतला होता है, खून पतला होता है, बाल काले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. अगर आपको खाना है बट आप निकाल देते हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि इनको पेस्ट करके डाल दो एक बार. सो इट वुड बी ईजियर, खाने में भी आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा. पता नहीं मुझे पत्ते धोते नहीं धोते, ये तो पता है कि ये तेल उछालेगा. So if you want to see the angle, इस तरह से यू कैन एडजस्ट द एंगल विद GoPro और एक ये चाइनीज फोन से. So if you want to see the angle, इस तरह से यू कैन एडजस्ट द एंगल विद GoPro और एक ये चाइनीज फोन से. जब तक कोई लावा नहीं लाएगा ना यही सुनेगा. चाइना चाइना का सुनेगा जब तक लावा नहीं लाएगा. जब तक सब्जी हो रही है हम लोग इसको देख रहे हैं सोयास को, ये भी फूल गए हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं.
फिर इसका पानी निकाल के हम लोगों को इसको भी फ्राई करना है, पर फ्राई करने के लिए वापस से वही कढ़ाई यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए इसका वेट करेंगे। जैसे पनीर की सब्ज़ी में बनाते हैं, पनीर पसंदा बना रहे हो या पनीर का कुछ भी बना रहे हो, हम लोग थोड़ी से सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं ग्राइंड करने से पहले, वही चीज़ कर रहे हैं बेसिकली। सारी सब्जियां और वो डाल दिया, सो इस तरह से सब्जी को निकाल के थोड़ा सा फैला के पंखे में रख दो, और ऐसी जगह जहाँ चीटियाँ ना हो। हम लोग जाएंगे इसको पंखे में रखने। सो दिस इज पंखा, दिस इज ठंडा। पानी निचोड़ना है तो निचोड़ के सीधा मैं कढ़ाई में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेस ऑयली बनाना है, इसलिए मैं सेम ऑयल यूज़ करूँगा। इंटरेस्टिंग रीज़न इसको पहले पानी में बॉईल करने का ये है कि लास्ट में जब हम पानी ऐड करेंगे तो ये कम पानी ग्रेवी कम सोखेगा बेसिकली। सो हम लोगों ने तो मिस्टेक कर दी, यू कैन यूज़ दिस वाटर एज वेल। इस पानी को यूज़ करके लास्ट में ग्रेवी में यही डाल सकते थे, एक्चुअली अच्छा टेस्ट आता। सिंगापुर में ये वाली सब्जी कहीं मिलती नहीं है ना? कौन सा? नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में मैंने आज तक सोया चाप वाली सब्जी नहीं देखा। सोया चाप मिलता है? सोया चाप क्या होता है? इसी टाइप का होता है। हाँ, ये क्या मिलता है, पंजाबी तड़का करके एक। अच्छा, मोस्टली अगर सिंगापुर में ये सब्जी ढूंढनी है तो कम ही चांसेस मिलेगी, तो इसके लिए इसको बनाना ही बेटर ऑप्शन है। बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन सी। अभी तक हमने दो चीज़ें करी है, एक तो सब्जियां काटी है, उनको फ्राई करा है और उनको ठंडा करने के लिए रख दिया है, और दूसरा सोयाबीन सोया चंक्स जो ये थे इनको पानी में डुबाया था, गर्म पानी में बॉईल करा था, थोड़ी टाइम के लिए रख दिया था 5-10 मिनट के लिए, और फिर उनका पानी निचोड़ के हम लोग इनको सेक रहे हैं। सो अब ये ऑलमोस्ट ब्राउन से हो गए हैं। सो ग्रेवी बनाने के लिए हमारी सब्जियां ठंडी हो गई है, और हमारे पास मजा हुआ जार भी है। तो डेफिनेटली हमें लाल मिर्च चाहिए होगा, थोड़ा सा डालूँगा मैं इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा डालूँगा मसाला जब सेकूँगा तब। नमक डाल रहा हूँ थोड़ा सा, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डाल दूँ, क्योंकि मेजरली मैं ये सब चीज़ें डालूँगा जब मैं सबको मिक्स करके वापस। ओके, तो ज़्यादा नहीं पीसना है इसको, क्योंकि थोड़ा टेक्स्चर भी चाहिए, बिना टेक्स्चर के फिर वो सब्ज़ी बिल्कुल ऐसा लगेगा टमाटो सॉस आ गई, तो इसके लिए टेक्स्चर भी चाहिए मुझे। इस तरह का टेक्स्चर इज़ लाइक परफेक्ट, तो इसमें वापस जब सीखेगी तो वो भी हमारा काम आ जाएगा। सो ये कड़ी पत्ता, दो बड़ी छोटी इलायची और आधा बड़ा लौंग मैंने ले लिया है, इनको विल यूज़ इट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। जो थोड़ा सा तेल, अगेन थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब्जियां फ्राई कर चुके हैं। ये मस्टर्ड ऑयल का कलर अब लाइट होता जा रहा है, तो मतलब तेल हो गया गरम, तो मैंने इलायची और तेज पत्ता डाल दिया ताकि इसका टेस्ट तेल में आ जाए। अब तेल में ही हम लोग डालेंगे लाल मिर्ची, ज़्यादा एक हमारा ऑल पर्पस पाउडर जिसमें सब कुछ है, थोड़ा सा हल्दी एक चम्मच, नमक बाद में भी डाल सकते हैं। मैं बिफोर मेरा मसाला डाल दे, तो हमने पेस्ट जो बनाया था उस पेस्ट को भी इसमें डाल दिया है। सो यू कैन सी कलर भी दिख रहा है, बस इसको थोड़ी देर पकाना है। तो मैं इसमें सोयाबीन जिसको हमने बॉईल करके पानी निचोड़ के थोड़ा सा लाइट फ्राई कर लिया था ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, यू कैन सी के लिए ब्राउन भी हो चुके हैं, सोने का भी खुशबू धीरे धीरे आती जा रही है। बट मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक मिनट के लिए और पका रहा हूँ। टेस्ट
टेस्ट करके लग रहा है सारी सब्जियों का अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा। तो अब जब ये मसाला हो गया, आप ये देख रहे हैं इसमें उबाल भी आ रहा है, तो मैं धीरे से सारे ये डाल दूंगा और इनको मिक्स कर दूंगा। सो एज यू कैन सी कि ये सारे सोया चंक्स ने मसाला तो सही से अब्सॉर्ब कर लिया है और मिल भी गया है। अब इसको थोड़ी देर ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है अभी कम आँच पे। मसाला तो बहुत ही टेस्टी है। सो एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा उबाल आता जा रहा है इसमें ऑलरेडी। देर आर टू ऑप्शन, एक तो थिक ग्रेवी पसंद है तो ये वाला टेक्स्चर सही रहेगा आपके लिए, और अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप चाहिए तो इसमें और पानी डलेगा। तो जो पहले हमने बताया था, हम लोगों ने तो पानी फेंक दिया था जिसमें हमने ये उबाले थे न्यूट्रेला, बट अगर आप लोगों को ग्रेवी वाला चाहिए तो वो ग्रेवी वाला पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छा भी रहेगा। अगेन ये कड़ी पत्ता आपको निकालना तो निकाल देना, वरना लगे रखे रहने देना, पता चलेगा कि यूज्ड है। इसको कोरोना हुआ कि नहीं, उसको ना खाने के पास लेके जो आपको बोलो कि स्मेल आ रहा है तेरे को सर, ये कोरोना टेस्टिंग में भी हेल्प करेगा। Now there are two options, you can eat it with rice, preferably brown rice, or you can eat it with chapati, जो नॉर्मल तरीका है। लास्ट में इसमें और फाइनल टच देने के लास्ट में फाइनल टच देने के लिए नमक डालेंगे, फ्रेश क्रीम हो, धनिया हो, आपके पास हो तो आप वो लास्ट में डाल सकते हो। हम लोगों के पास ना फ्रेश क्रीम है ना हम लोगों के पास धनिया पत्ते हैं, सो हम लोग सिर्फ इसमें नमक और हमारी उम्मीदें डालेंगे। सो आवर डिश इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हम लोगों ने फाइनली इसको थोड़ा ढकने के लिए रख दिया था ताकि सारी चीज़ें हो जाए। तो अब जस्ट टू शो यू द फाइनल हाउ इट लुक्स, कैन सी थोड़ा थोड़ा बॉयल भी होने लग गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एंड कलर वाइज इफ़ यू सी तो कलर भी अच्छा है। टेस्ट तो मैंने करा ही है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। बस लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं और धनिया पत्ती हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए हम लोग इस पे कुछ नहीं डाल रहे अभी। सो अब पूरी तरह से सब्जी हमारी हो चुकी है, सारा उबाल आ चुका है, एंड दिस इज़ हाउ योर सब्जी विल लुक लाइक फाइनली। अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है सोया में, इफ़ यू प्रेस इट यू सी कि अच्छे से कट रहा है और इट्स जूसी, एंड मसाले भी अच्छे से मिल चुके हैं। कलर वाइज भी इफ़ यू सी इट्स लुकिंग परफेक्ट, और टेस्ट में तो मैंने आपको बताया ये कि बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। सो टेल अस हाउ यू लाइक इट, डू यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस फ्रॉम आवर किचन, जो कि यूट्यूब इंस्पायर्ड रहते हैं बट हम लोग जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होता है और ईजी वे होता है प्रिपेयर करने का उसको ट्राई करके बनाते हैं, कोशिश करते हैं पेट भरने की। ओके गाइस, दैट्स इट द फर्स्ट वीडियो अबाउट आर कुकिंग एंड हाउ वी कुक, एंड लेट्स सी अच्छा आएगा ये वाला तो और बनाएंगे। बाय, थैंक यू। सो डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट दिस रेसिपी, वाज इट इजी टू मेक, और आप बनाओगे क्या ये?